सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये विषय सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले आधी सदी में कशेरुक यानी वर्टिब्रेट प्रजातियों की आबादी में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ऐसे जीव जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उन्हें कशेरुक कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करता है। अप्रैल 1961 में स्थापित इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के रुए मोवेर्नी में स्थित है। संगठन का मकसद वन्य जीवों का संरक्षण और पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को कम करना है। साल 1998 से ये संस्था हर दो साल पर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित करती है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 को तैयार करने के लिए लिविंग प्लैनेट इंडेक्स का इस्तेमाल किया गया है। ये इंडेक्स स्थलीय मीठे पानी और समुद्री जगहों में कशेरुक प्रजातियों की आबादी के रुझान के आधार पर दुनिया की जैव विविधता की स्थिति का आकलन करती है। इसे जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा जारी किया जाता है। साल 1826 में स्थापित जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाली एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन चैरिटी संस्था है। इंडेक्स में साल 1970 से साल 2016 के बीच 4000 से ज्यादा कशेरुक प्रजातियों के करीब 21,000 जीवों को ट्रैक करके रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष रहे? रिपोर्ट में साल 1970 से 2016 के बीच वैश्विक कशेरुकी प्रजातियों की आबादी में औसतन 68% की गिरावट की बात कही गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये गिरावट 45% है। अमेरिका के उष्णकटिबंधीय उपभागों के लिए लिविंग प्लैनेट इंडेक्स में 94% की गिरावट दुनिया के किसी भी क्षेत्र में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट है। मीठे जल की प्रजातियों की आबादी में साल 1970 के बाद से औसतन 84% की कमी आई है। मीठे जल की प्रजातियों की आबादी स्थलीय या समुद्री प्रजातियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से घट रही है। आकार के हिसाब से देखें तो मेगाफौना या बड़ी प्रजातियां ज्यादा असुरक्षित हैं, क्योंकि वो मानव जनित खतरों और अंधाधुंध दोहन की शिकार हैं। साल 1970 के बाद से पारिस्थितिकी पदचिन्ह यानी
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पृथ्वी के पुनरुत्पादन की दर से ज्यादा हो चुकी है। आसान शब्दों में कहें तो प्रकृति जितना जैव संसाधन पैदा कर रही है या फिर उसका पुनरुत्पादन कर रही है, उसके मुकाबले इस जैव संसाधनों की माननीय खपत ज्यादा है। मौजूदा वक्त में मानव की मांग पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन की दर के मुकाबले 1.56 गुना ज्यादा है। जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी। जैव विविधता के लिहाज से ये रिपोर्ट कई समस्याओं की तरफ इशारा कर रही है, जिनमें जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों और रोगों का पैदा होना और जलवायु परिवर्तन शामिल है। आगे क्या किया जा सकता है? जाहिर है कि मानवता का अस्तित्व तभी तक संभव है जब तक हमारी प्राकृतिक प्रणालियां या व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इसके बावजूद हम एक खतरनाक गति से प्रकृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। प्रकृति और मानवीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज समय की मांग है कि जैव विविधता क्षरण के कर्व को मोड़ा जाए। इसके लिए एक नए वैश्विक समझौते की जरूरत है और इस समस्या की राजनीतिक प्रासंगिकता भी बढ़नी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए राज्य और गैर राज्य भागीदारों द्वारा एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। गौरतलब है कि सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, इसके तहत साल 2030 के एजेंडे को हासिल करने के लिए प्राकृतिक प्रणालियों में गिरावट के मद्देनजर ऐसा समझौता जरूरी भी है। सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।